education. So I will start with the new subject engineering hydrology. ठीक है माय डियर, तो ये जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी होता है इसका गेट का जो वेटेज होता है वो होता है 4 to 6 मार्क्स ऑन एन एवरेज. इट कम्स फॉर 5 मार्क्स 4 मार्क्स है ना, जनरली बहुत रेयरली 3 मार्क्स का आता है, 4 से 5 मार्क्स का तो ये वाला सब्जेक्ट आता ही है. ठीक है माय डियर, तो ये सब्जेक्ट होता क्या है और आप एज अ सिविल इंजीनियर क्यों इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ते हो. ठीक है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम समझेंगे, है ना. और गेट का वेटेज तो है ही 4 से 6 मार्क्स, तो मतलब काफी मतलब 3-4 मार्क्स 4 मार्क्स कभी 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है. ठीक है, तो इसमें ये जो सब्जेक्ट होता है माय डियर ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, सिंपल है मतलब कहने का मतलब कि अगर आप कम टाइम भी इसमें डिवोट करते हो so you will be easily able to gain the marks. मतलब whatever concepts are very easy. ठीक है, तो easy concepts है, उसमें जो टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो पक्का है कि इसमें मार्क्स आ जाएंगे. आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा. जैसे आप और भी सब्जेक्ट्स आपके पढ़ते हो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर्स, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज इससे ज़्यादा है बट उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है. तो ये सब्जेक्ट जो है ये ईजी टू लर्न है ना, और मतलब ईजी टू लर्न है और अच्छे से इसमें मार्क्स आ जाते हैं, है ना. तो 3 या 4 मार्क्स जो भी है वो आपको एकदम आराम से मिल जाएंगे. ठीक है माय डियर, तो पहले तो हम समझते हैं कि भाई हाइड्रोलॉजी होती क्या है. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी होती क्या है. देखिए हाइड्रोलॉजी हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना, लॉजी मतलब साइंस. सो इट इज द साइंस ऑफ वाटर which deals with the occurrence, circulation and distribution of water on Earth's surface and its atmosphere. ठीक है, तो ये डील करता है occurrence, it deals with the occurrence, circulation and distribution of water on Earth's surface and its atmosphere. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि it deals with the occurrence, circulation and distribution of water in the Earth's surface and its atmosphere. ठीक है, so we all are aware of the importance of water, है ना, और scarcity of water also. So nowadays we are facing major scarcity of water. You are already seeing the scarcity of water resources. ठीक है, तो as an engineer we should know how to optimally use the water resources, कि हमें optimally water resources को कैसे यूज करना है. ठीक है, तो as an engineer हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब देखो हम ये बोल रहे हैं कि भाई एज अ सिविल इंजीनियर आपको हाइड्रोलॉजी क्यों पढ़नी होती है. ठीक है भाई, गेट में मार्क्स तो मिलेंगे पढ़ के, दैट इज फाइन, बट व्हाई एज अ सिविल इंजीनियर यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी, है ना. तो आप इसीलिए पढ़ते हो माय डियर क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर यू डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, है ना, मतलब आप फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हो, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करते हो. तो ये सब डिजाइन करने के लिए माय डियर यू शुड नो दैट हाउ मच वाटर इज अल्टीमेटली रीचिंग द रिवर और स्ट्रीम, मतलब इवेंचुअली मतलब सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद फाइनली कितना पानी रिवर और स्ट्रीम में इवेंचुअली जा रहा है ये आपको जानना होता है. ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में जो आपका मेन कंसर्न होता है माय डियर वो होता है रन ऑफ. ठीक है, हाइड्रोलॉजी का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है आपका रन ऑफ. ठीक है, तो मेन कंसर्न ऑफ हाइड्रोलॉजी इज रन ऑफ. रन ऑफ इज योर मेन कंसर्न. ये रन ऑफ क्या होता है ये हम बताएंगे, है ना. अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो ये होता है कि भाई जितना पानी रिवर और स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ठीक है, वो होता है आपका रन ऑफ. मतलब रन ऑफ कहाँ से आएगा, जैसे सपोज आपकी बारिश हुई, है ना, बारिश हुई तो बारिश होने के बाद बहुत सारे लॉसेस होंगे, है ना. तो सबसे पहले आप बारिश पढ़ोगे, रन ऑफ आ कहाँ से रहा है, पानी से यार मतलब बारिश से आ रहा है ना. तो पहले आप बारिश की पढ़ाई करोगे, देन यू विल सी व्हाट आर द लॉसेस दैट आर हैपनिंग एंड देन what is eventually or ultimately the water which is entering into the river or stream that is of primary concern to you. ठीक है, आपको जानना है कि भाई इवेंचुअली कितना पानी रिवर और स्ट्रीम में जा रहा है क्योंकि एज अ फ्लड कंट्रोल इंजीनियर, है ना, आपको अगर फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितना फ्लड आपको एकोमोडेट करना है या कितना वाटर आपको एकोमोडेट करना है. ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक वाटर सप्लाई इंजीनियर हो तो आपको वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भी आपके पास कितना पानी अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द वाटर. सो एज अ फ्लड कंट्रोल एंड एज अ वाटर सप्लाई इंजीनियर यू शुड नो दैट हाउ मच वाटर इज एंटरिंग इन टू द रिवर एंड स्ट्रीम आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द लॉसेस. ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ते हो। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, कि हाइड्रोलॉजी में आपको जानना होता है कि भाई कितना पानी जा रहा है, इसीलिए आप हाइड्रोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। और अब ये जो रन ऑफ है ये आ कहाँ से रहा है? प्रेसिपिटेशन से। मतलब क्या होता है प्रेसिपिटेशन, हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब बारिश से, है ना, बारिश जा रहा है, तो इसीलिए आप पहले प्रेसिपिटेशन पढ़ते हो, फिर वेरियस लॉसेस पढ़ते हो और फिर आप रन ऑफ पढ़ते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होगा? टू एस्टिमेट द यील्ड फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया, है ना। तो आपको यील्ड निकालने के लिए कितना यील्ड मिल रहा है आपको कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन से। व्हाट इज कैचमेंट एरिया? मैंने बोला कि भाई फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी देखिए क्या होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन टू एस्टिमेट यील्ड फ्रॉम ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया। और कैचमेंट एरिया, व्हाट इज दिस कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन? ये बहुत सी बार आप टर्म यूज करते हो, है ना, कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन, है ना। तो व्हाट इट इज नथिंग बट द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। डायग्राम से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डेफिनेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जैसे सपोज ये कोई आपकी वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको इस वाटर बॉडी का कैचमेंट एरिया, मतलब जितना एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। मतलब सपोज यहाँ पे कोई आपका माउंटेन बैरियर है, यहाँ पे भी कोई आपका माउंटेन बैरियर है, ठीक है। तो देखिए जब बारिश होगी, है ना, जब बारिश होगी तो क्या होगा? देखिए यहाँ से अगर आपकी बारिश इधर भी हो रही होगी तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये इधर आ जाएगा, बट यहाँ वाली जो बारिश है वो इधर कंट्रीब्यूट इस रिवर बॉडी या इस स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है माय डियर। तो देखो ये जो होगा इस रिवर या इस वाटर बॉडी का कैचमेंट एरिया आपका कहां से कहां तक हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक। सो दिस इज योर कैचमेंट एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी, ठीक है। इसको आप रिज लाइन बोलते हो, ठीक है, रिज लाइन और वाटर शेड बोलते हो, इसको आप कैचमेंट एरिया बोलते हो। तो देखो द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन होता है, टू एस्टिमेट यील्ड फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा माय डियर? टू डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना हो तो उसका एप्लीकेशन होता है ना, हाइड्रोलॉजी का एप्लीकेशन है टू डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आपको इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई देखना है तो उसका भी एप्लीकेशन है ना। सो दिस आर द लाइक वेरियस एप्लीकेशन है। हाइड्रो पावर जनरेशन, अगर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन करो, डैम बना रहे हो तो हाइड्रो पावर जनरेशन करोगे, है ना, तो हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, है ना, ड्रॉट मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, ये सब हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशंस है, ठीक है माय डियर। अब हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल आपने बहुत पहले से पढ़ रखी है ना, अभी हम फिर से देख लेते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल। जो जो आपके कंपोनेंट्स होंगे माय डियर हाइड्रोलॉजिक साइकिल के, वो आपका सिलेबस है हाइड्रोलॉजी का, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखिए, हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो होता है इसकी डेफिनेशन अगर हम समझे तो क्या होता है? हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ साइकिल इन विच water moves from one phase to another phase having different residence time in each phase, है ना। मतलब आपका वाटर जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है जिसका एक पर्टिकुलर रेसिडेंस टाइम होता है और फिर मतलब वापस वो उसी में आ जाता है। सो इट इज अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो इट इज अ सन ड्रिवन प्रोसेस, है ना, सोलर रेडिएशन की वजह से होता है। तो देख लेते हैं कैसा होता है ना। तो जो भी आपके सराउंडिंग में चीज है वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो भी आपके सराउंडिंग में चीज है वो आपको ड्रॉ करनी है। जैसे ये कोई एक वाटर बॉडी हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सपोज ओशियन है, ठीक है। सो दिस वी कैन टेक इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यू विल बी हैविंग अ माउंटेन, है ना, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनी होगी, कुछ बिल्डिंग्स बनी होगी, है ना. सम पीपल विल बी वॉकिंग ओवर हियर. कुछ बिल्डिंग है, कुछ पेड़ है, ठीक है. सो एंड इन द ग्राउंड सरफेस ऑल्सो यू विल बी हैविंग सम अंड्यूलेशंस, ठीक है. सो दिस इज द सराउंडिंग और ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ सन. देखिए कैसे होगा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, मतलब देखो सन से एनर्जी गेन करेगा, सन के सोलर रेडिएशन से यहाँ पे जो पार्टिकल होगा, ठीक है, सन के सोलर रेडिएशन से यहाँ पे जो पार्टिकल होगा ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और ये यहाँ से एस्केप करेगा, ठीक है माय डियर. तो ये जब एस्केप करेगा, है ना, तो देखो वाटर आपका किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में. इस प्रोसेस को आप बोलोगे इवेपोरेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, ठीक है. अब देखिए पानी से जो पानी था इट कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. जैसे ये वेपर बना ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम होगा आपका, टेम्परेचर कम होने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा. तो ये देखो एडियाबैटिकली कूल होगा वो और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा विच विल फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है. जैसे ये पानी ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है माय डियर. तो देखिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, तो जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, है ना, बारिश होगी. बारिश मतलब इंडिया में हम बारिश बोलते हैं बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में रेनफॉल ही होता है, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी आप देखिए ये होगा प्रेसिपिटेशन. दिस इज योर प्रेसिपिटेशन. नाउ ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है. अब देखो प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो ये पानी होगा ये आएगा. सबसे पहले ये जो पानी होगा, कुछ पानी इसमें से कुछ पोर्शन पानी जो है वो ग्राउंड सरफेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है. तो जो पानी ग्राउंड सरफेस के अंदर जाएगा उसको आप बोलते हो इनफिल्ट्रेशन. ठीक है. The water which is going inside the ground surface is called as infiltration. अब देखिए माय डियर, जैसे ही पानी अंदर जाएगा यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगा उसकी वो मॉइस्चर डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा. उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर होगा इट विल गो डीप डाउन एंड जॉइन्स द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है. इस प्रोसेस को आप बोलते हो परकोलेशन. डीप वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज परकोलेशन, ठीक है. अब देखिए ये हो गया इनफिल्ट्रेशन. फिर क्या होगा माय डियर, देखो कुछ वाटर यहाँ पे स्टोर होगा बिल्डिंग्स में, है ना, एंड देन आल्सो दैट वाटर आल्सो विल स्ट्रेट अवे गेट इवोपरेटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर. तो इसको आप बोलते हो इंटरसेप्शन लॉस, है ना. मतलब कुछ कहीं पे भी कोई भी टॉल ऑब्जेक्ट्स होगा या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां पे पानी स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद फिर से वो इवेपोरेट बैक टू द एटमॉस्फेयर हो जाएगा. तो ये होगा आपका, ये होगा इंटरसेप्शन लॉस. आप लॉस क्यों बोल रहे हो, वी आर सेइंग इट इज इंटरसेप्शन लॉस. इनफिल्ट्रेशन इज ऑल्सो लॉस, इवोपरेशन इज ऑल्सो लॉस. क्यों, क्योंकि जो भी चीज रन ऑफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है. हमने समझा कि हाइड्रोलॉजी का मेन कंसर्न है रन ऑफ. रन ऑफ मतलब कितना पानी अल्टीमेटली रिवर और स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉस. फिर देखिए प्लांट्स से जो पानी, मतलब प्लांट्स है वो प्लांट्स भी पानी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है. उसके बाद कुछ पानी वो यूज करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और मतलब ट्रांसपीरेशन मतलब अपना फूड बनाने के लिए कुछ पानी यूज करेगा एंड देन इट विल लीव सम वाटर फ्रॉम द लीव्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है. दिस इज योर ट्रांसपीरेशन, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे छोटी छोटी डिब्रीज होगी, है ना, तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन स्टोरेज होगा, है ना, डिप्रेशन स्टोरेज बोलते हो आप इसको. अब देखो इवेंचुअली ये सारा, ये जो प्रेसिपिटेशन आ रहा है इसके बाद ये सारे लॉसेस को सेटिस्फाई करने के बाद जो पानी इवेंचुअली आपका रिवर या स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है. द वाटर विच इज इवेंचुअली एंटरिंग इनटू द रिवर और स्ट्रीम आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द लॉसेस इज कॉल्ड एज रन ऑफ. और यही आपका हाइड्रोलॉजी में मेन कंसर्न है, ठीक है माय डियर. तो देखो ये जो सारे कंपोनेंट्स है यही आपका सिलेबस बनाता है हाइड्रोलॉजी का, ठीक है. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल फॉर्म्स द सिलेबस ऑफ योर हाइड्रोलॉजी. तो एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, क्योंकि दिस इज ओनली द ड्राइविंग फोर्स फॉर रन ऑफ. तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन. फिर आप पढ़ोगे बाकी सारे लॉसेस जैसे कि इवेपोरेशन, है ना, ट्रांसपीरेशन, फिर आप पढ़ोगे इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। परकोलेशन हम नहीं पढ़ते, इनफिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। एंड देन वी विल स्टडी रन ऑफ, एंड दिस आर द स्मॉल लॉसेस विच आर कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉस एंड डिप्रेशन स्टोरेज लॉस, ठीक है। सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक फॉर्म्स योर सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें देखो कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल जितने भी होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल forms your syllabus of hydrology, ठीक है। तो देखिए ये होता है, सबसे पहले होता है आपका precipitation, then evaporation, then transpiration, इन दोनों को कंबाइन करके वी स्टडी वन टर्म कॉल्ड एज इवेपोट्रांसपीरेशन, ठीक है। एंड देन इनफिल्ट्रेशन, एंड देन रन ऑफ। रन ऑफ में वी विल स्टडी हाइड्रोग्राफ्स, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल विच फॉर्म्स अवर सिलेबस। एक चीज और पढ़ते हैं हम, फ्लड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो फ्लड्स में हम पढ़ते हैं मैक्सिमम फ्लड एस्टिमेशन और फ्लड रूटिंग, ठीक है, और फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज पढ़ते हैं, वो भी वी कैन स्टडी दैट इन प्रेसिपिटेशन ऑल्सो, ठीक है। और एक और होता है आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, सो दैट इज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है, वो भी हम लिख देते हैं। ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गया। सो देखिए इसमें से माय डियर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए हाइड्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रन ऑफ, है ना। रन ऑफ इज ऑफ प्राइम कंसर्न इन हाइड्रोलॉजी, ठीक है, मतलब द नेट अमाउंट ऑफ रेन विच इज एंटरिंग इनटू द रिवर और स्ट्रीम is of importance to us। और questions भी आपके जो गेट में आते हैं my dear, वो सबसे ज्यादा इन्हीं टॉपिक में से आता है। एक होता है आपका इनफिल्ट्रेशन और एक होता है आपका रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से। सो दिस बोथ टॉपिक्स, ईदर यू विल गेट अ क्वेश्चन exclusive from hydrograph or you will get a question based on the concept of infiltration and hydrograph both, है ना। तो infiltration और हाइड्रोग्राफ का मिला के क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा या तो आपको फॉर श्योर इन दोनों में से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन से भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का प्रेसिपिटेशन से पूछ लेता है, कभी 1 मार्क्स का पूछ लेता है। और फिर ये सारे टॉपिक्स है, ये थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए माय डियर अपनी अप्रोच क्या होगी पढ़ने की, हम क्या करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में, हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पहला टॉपिक उठाएंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि भाई प्रेसिपिटेशन होता क्या है ना, क्या क्या चीजें इसमें होती है, वो मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी। फिर मैं हर एक टॉपिक का क्वेश्चन उठाऊंगी, गेट का क्वेश्चन उठाऊंगी या नॉर्मल क्वेश्चन उठाऊंगी, एंड देन आई विल डिस्कस द कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन, और ऐसा करके सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है माय डियर। तो देख लीजिए ये आपकी हाइड्रोलॉजिक साइकिल हो गई। इसके बाद देखिए I will start with, मतलब ये आपका सिलेबस हो गया, है ना। सिलेबस में आपको फ्लड्स वाला भी आई विल राइट डाउन सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी। एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेसिपिटेशन, विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेसिपिटेशन। वी स्टडी फ्लड्स ऑल्सो, ठीक है। तो फ्लड्स में क्या क्या होता है आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स, मतलब फ्लड्स में आपका होगा मैक्सिमम फ्लड एस्टिमेशन, ठीक है, और होता है आपका इसमें फ्लड रूटिंग और होता है आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स भी आपको पढ़ना है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स, ठीक है माय डियर। सो विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेसिपिटेशन। सो दिस फॉर्म्स योर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक that is precipitation, ठीक है। I'll give you the introduction of precipitation. So my dear, why we are studying precipitation in hydrology? Because we want to know the runoff, और runoff कहाँ से आ रहा है, precipitation से. इसीलिए because precipitation is the driving force for runoff. First we will study precipitation. पहले हम precipitation पढ़ेंगे, उसके बाद जो losses है वो हम analysis करेंगे और फिर precipitation से जब हम losses को minus कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? runoff. ठीक है, तो precipitation पढ़ने का aim ही यही है कि हमें runoff निकालना है. ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम start करेंगे precipitation से. So we'll start with precipitation. So I'll give you the basic introduction about our first topic, that is precipitation, और फिर हम questions देखेंगे और questions से हम concepts को समझेंगे. ठीक है my dear, तो देखिए precipitation. What is precipitation? ठीक है, precipitation is nothing but various forms of water. ये precipitation का मतलब होता है forms of water, different forms of water that reaches the earth's surface from atmosphere. ठीक है, जब atmosphere से किसी भी form पे पानी जब आपके earth surface में आएगा उसको आप बोलोगे precipitation. ठीक है, different forms of water that reaches the earth surface from atmosphere is called as precipitation. तो precipitation मतलब जरूरी नहीं कि rainfall हो, है ना. हम मतलब हम लोग यूज कर लेते हैं रेनफॉल के बदले प्रेसिपिटेशन के बदले रेनफॉल, क्योंकि इंडिया में मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में रेनफॉल ही होता है इसीलिए. बट प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन के अंदर रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्रिजल, हेल, गेज, स्लीट, ये सारे आते हैं. ठीक है, तो देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, तो ये तो फॉर्म ऑफ वाटर होता है दैट रीचेज द अर्थ सर्फेस फ्रॉम एटमोस्फियर. दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. अब देखिए इसके वेरियस फॉर्म्स, हम वेरियस फॉर्म्स देख लेते हैं. सबसे पहला फॉर्म होता है इसका रेनफॉल. ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया. इंडिया में रेनफॉल ही होती है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में. देन होता है आपका स्नो, है ना, फिर होता है आपका ड्रिजल, ठीक है, फिर होता है आपका ग्लेज, फिर होता है आपका स्लीट, एंड देन हेल. ठीक है माय डियर, अब देखिए These are the various forms of precipitation that reaches the earth's surface from atmosphere. ठीक है, तो rainfall, snowfall, drizzle, glaze, sleet, hail. अब इसमें आपको क्या पढ़ना है my dear? इसका आपको साइज देखना है कि कितना से कितना साइज वेरी करता है. तो जब आप रेनफॉल की बात करते हो, सो दिस इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, है ना. तो इसका जो साइज रहता है my dear, वो रहता है साइज इज 0.5 mm to 6 mm. ठीक है, साइज ऑफ रेनफॉल इज फ्रॉम 0.5 mm to 6 mm. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स. ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले तो जो रेनफॉल होती है माय डियर उसको आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, है ना. आप रेनफॉल को हमेशा डेप्थ के फॉर्म में मेजर करते हो. डेप्थ मतलब आप बोलते हो ना इतनी mm की बारिश हुई, है ना, तो इस टाइप से आप बोलते हो कि इतनी mm या इतनी सेंटीमीटर की बारिश हुई. तो आप रेनफॉल को ऑलवेज यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. ऐसा क्यों करते हो आप? रेनफॉल को डेप्थ के टर्म्स में क्यों मेजर करते हो माय डियर? क्योंकि देखिए जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, है ना, वो हर दिन 8:30 बजे एक सम पर्सन विल गो टू द रेन गॉज स्टेशन. क्या होता है रेन गॉज स्टेशन? रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं. ठीक है, तो ही विल गो एंड ही विल मेजर द रेनफॉल, है ना. तो अगर आप किसी भी लेमैन को भी बोलते हो कि भाई डेप्थ ऑफ रेनफॉल, जाके ये स्केल दे दीजिए और बताइए कि बता के वहां से मेजर करके आओ कि कहाँ तक आपका पानी का लेवल भरा हुआ है, तो एनी वन कैन गो एंड मेजर द डेप्थ. देयरफॉर वी मेजर रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. ठीक है, डेप्थ के टर्म्स में हम मेजर करते हैं, मतलब रेनफॉल को हम डेप्थ के टर्म्स में मेजर करते हैं. तो इंटेंसिटी क्या होता है? जब आप डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि भाई बताइए कि कल 5 बजे से लेके, है ना, सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक कितनी बारिश हुई. मतलब जब आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हो तब आप उसको बोलते हो रेनफॉल इंटेंसिटी. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी रेनफॉल इज क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म्स. ठीक है, तो 3 फॉर्म्स में क्या होता है? सबसे पहले होता है 1 mm per hour, 2 2.5 mm per hour. जब आप क्लासीफाई करते हो तो ये होता है आपका लाइट रेन. ठीक है, दिस इज योर लाइट रेन. फिर होता है आपका मीडियम रेन, वो होता है आपका 2.5 mm per hour to 7.5 mm per hour. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी. देखो आप रेनफॉल को डेप्थ में मेजर करते हो, जब आप पर आवर ले रहे हो देन इट इज इंटेंसिटी. एंड देन हेवी रेन, तो हैवी रेन का क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 7.5 mm/hour। ठीक है, फिर आप देखिए स्नो। स्नो जो होता है इसकी एवरेज डेंसिटी होती है। स्नो क्या होता है? जब आपका बारिश आइस के फॉर्म में हो रही हो देन इट इज कॉल्ड एज स्नो एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज 0.1 g/cm³, है ना, per cc³ या per cm³। ठीक है, अब ड्रिजल, जो ड्रिजल होता है माय डियर, इसका जो साइज होता है वो होता है लेस देन 0.5 mm, है ना, और इंटेंसिटी होती है लेस देन 1 mm/hour। इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm/hour। ठीक है, सो दिस इज योर ड्रिजल। ड्रिजल मतलब हल्की हल्की एकदम बारिश हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिजल। इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है और साइज भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब ग्लेज। ग्लेज क्या होता है माय डियर? जब भी आपका जो वाटर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब आपका मतलब ऊपर से मतलब बारिश मतलब क्लाउड से इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ओनली, बट जैसे ही वो बहुत कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू आइस, है ना। कोल्ड ऑब्जेक्ट के मतलब जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली एट 0°C, देन इट विल कन्वर्ट इनटू आइस। दैट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज ग्लेज। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लेज। मतलब ग्लेज मतलब जब आपका ये कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो आपका अप्रोक्सीमेटली 0°C होगा। अप्रोक्सीमेटली at 0°C, then it will convert into ice. That type of precipitation is called as glaze. ठीक है, sleet क्या होता है? Sleet is also a form of ice. ये एकदम translucent nature का होता है, transparent nature का ice जो होता है उसको आप बोल देते हो sleet। हेल क्या होता है? दे आर कॉल्ड एज लम्प्स ऑफ आइस। जब आपका थंडरस्टॉर्म आता है ना तब हेल होता है। हेल मतलब दे आर बिग बिग लम्प्स ऑफ आइस हैविंग साइज ग्रेटर देन 8 mm। जनरली दे आर लम्प्स ऑफ आइस हुज साइज इज ग्रेटर देन, दे आर कॉल्ड एज लम्प्स ऑफ आइस हुज साइज इज ग्रेटर देन 8 mm। ओके, सो दिस आर लम्प्स ऑफ आइस हुज साइज इज ग्रेटर देन 8 mm। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 5 mm से 8 mm तक वाले पार्टिकल को भी हेल बोल देता है। ठीक है, लेकिन जनरली इट इज डिफाइंड एज लम्प्स ऑफ आइस व्हिच साइज इज ग्रेटर देन 8 mm। सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि भाई प्रेसिपिटेशन होता क्या है। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ वाटर विच रीचेस द अर्थ सर्फेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, और दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, हमने डेफिनेशन बोल दी है, लिखी नहीं है, सिर्फ ये सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है माय डियर, अब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के बेसिस में हम उसके बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। I'll write down the question. The question is, So my dear, see, we will discuss this question and first I will explain you what the question is asking और जो भी इसके पीछे के concepts होंगे वो हम discuss कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, the average normal rainfall of 5 rain gauges, I'll tell you what is rain gauges in the base station are given, है ना। आपको 5 rain gauges की normal annual rainfall given है, full stop। If the error in the estimation of the rainfall should not exceed 10%, है ना, अगर आपका error जो है वो 10% से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए, how many additional rain gauges may be required? So this is the question which you have to solve. So इसके जो पीछे concepts है, देखिए आपने समझ लिया कि भाई precipitation क्या होता है, ठीक है। इंडिया में जो precipitation होता है वो basically rainfall से होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि measurement of rainfall, है ना। तो जब हम measurement of rainfall देखते हैं तो देखिए इसके पीछे के जो concepts है वो हम discuss करेंगे। हमें optimum number of rain gauges निकालने का क्वेश्चन है, इसके जो स्टेप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है, जो भी कहानी है वो पूरी हम समझ लेते हैं, उसके बाद वी विल एंटर इनटू द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखिए अब हम देखते हैं, हमने देखा कि भाई प्रेसिपिटेशन होता क्या है ना। तो विथ प्रेसिपिटेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मच प्रेसिपिटेशन इज ऑकरिंग, कितनी बारिश हो रही है ये भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। तो कितनी बारिश हो रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, measurement of precipitation। देखिए माय डियर, measurement of precipitation के लिए हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हम precipitation को किस में मेजर करते हैं, measurement of, actually we should not write precipitation क्योंकि अब हम रेनफॉल की बात करें तो हम रेनफॉल लिखेंगे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। वी आर टॉकिंग अबाउट रेनफॉल राइट नाउ, ठीक है। तो हमने बोला था कि भाई हम रेनफॉल को इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करते हैं, ठीक है। उसका रीजन भी हमने जाना था कि हम क्यों डेप्थ में मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए उसको हम बोलते हैं रेन गेज। रेन गेज इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग रेनफॉल, ठीक है। तो ये जो रेन गेज होता है, देखो यहीं पे आपको रेन गेज बोला है ना, तो रेनफॉल को आपने मेजर करते हो जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको आप बोलते हो रेन गॉज और रेन गेज, ठीक है। तो ये रेन गेज के और भी नाम होते हैं, प्लूवोमीटर, उडोमीटर, हाइटोमीटर, ऑम्ब्रियोमीटर, सो वेरियस नाम होते हैं, बट जनरली इट इज कॉल्ड बाय रेन गेज। जो रेन गेज होता है माय डियर वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज और एक होता है आपका रिकॉर्डिंग रेन गॉज। सो फर्स्ट इज योर नॉन रिकॉर्डिंग rain gauge, second one is your recording rain gauge, ठीक है। अब देखिए जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और रिकॉर्डिंग रेन गेज, इनमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों they both measures the rainfall, but in case of non-recording rain gauge it does not records the rainfall। मतलब जो non-recording rain gauge होता है वो आपका रिकॉर्ड नहीं करता है रेन गेज को, सिर्फ मेजर करता है रेन गेज को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानना चाहो कि कल दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक कितनी बारिश हुई, तो ये नॉन रिकॉर्डिंग नहीं बता पाएगा, वो डेली एनुअल रेनफॉल बताएगा, ठीक है। मतलब एक समय पे कितनी बारिश हुई वो ये नहीं बता पाएगा, मतलब ये कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन मेजर नहीं करता है। बट इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गॉज क्या करता है, उसके पास कंटिन्यूअस रेनफॉल का मेजरमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग रेन गॉज, मतलब it only measures the rainfall, it does not records the rainfall, but it also records the rainfall। तो ये दोनों के बीच में difference होता है, ठीक है। इसका example होता है जो इंडिया में यूज होता है सबसे ज्यादा वो होता है इसका साइमन्स रेन गेज, ठीक है। और इस केस में जो एग्जाम्पल होता है इसका नेचुरल साइफन टाइप और फ्लोट टाइप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है नेचुरल साइफन रेन गेज, और इसको आप फ्लोट टाइप रेन गेज भी बोलते हो, ठीक है। और होता है इसमें वेइंग बकेट टाइप और टिपिंग बकेट टाइप, ठीक है। सो रेन गॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये हमने देख लिया। इतने टाइप का होता है आपका रिकॉर्डिंग और मतलब नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप। सो दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। ये आपको नाम याद रखना है। जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है वो होता है साइमन, और जो आपका रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गेज होता है वो होता है आपका साइफन टाइप ऑफ रेन गेज। ठीक है माय डियर, सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। अब देखिए जब आपको रेन गॉजेस को इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है माय डियर, जब आपको रेन गॉजेस इंस्टॉल करने होंगे, मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर रीजन का चाहिए कि भाई कितना बारिश हो रही है वहां पे, तो आप रेन गॉज से ही मेजर करोगे, है ना। तो आपने एक रेन गॉज तो लगा के नहीं रखा होगा, इसका भी कुछ गाइडलाइंस होती है। मतलब जहां मन करेगा वहां पे लोकेट नहीं कर सकते हो रेन गॉज को, ठीक है। तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है, ठीक है। तो IS रिकमेंडेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, जिसको आप बोलते हो रेन गेज नेटवर्क डेंसिटी, है ना। तो वो जो रहती है वो रहता है, अगर आपका प्लेन रीजन है तो आपको एक रेन गॉज लगाना पड़ेगा फॉर एवरी 520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका ये लिख देते हैं तो देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई प्रेसिपिटेशन क्या होता है, उसके वेरियस फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल हम कैसे करते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ करते हैं, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, रेन गॉज। रेन गॉज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और एक होता है आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग का हमने समझा कि भाई it does not records the rainfall, it only measures the rainfall. But in case of recording rain gauge, you have a continuous variation of rainfall with respect to time. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है नेचुरल साइफन टाइप, वेइंग बकेट टाइप और टिपिंग बकेट टाइप। ठीक है माय डियर, अब देखिए जो रेन गॉज नेटवर्क डेंसिटी होती है, देखो रेन गॉज को इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होते हैं कि जो रेन गॉज रहेगा उसको आपको 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया से आपको ओपन फेंसिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो रेन गॉज जो भी मतलब जो उसको बारिश होए वो अनइंटरप्टेड रेनफॉल मिले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेन गॉज को हमेशा प्लेन और लेवल ग्राउंड सरफेस पे रखना चाहिए जहां पे अंड्यूलेशंस कम हो, ठीक है। और एक और रिक्वायरमेंट होती है दैट इट शुड बी केप्ट एटलीस्ट 30 मीटर और ट्वाइस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो होती है रिक्वायरमेंट्स होती है रेन गॉज को इंस्टॉल करने की। अब देखिए, आपको रेन गॉज को इंस्टॉल करना है तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए गाइडलाइंस होती है, ठीक है। सो रेन गॉज नेटवर्क डेंसिटी की गाइडलाइंस होती है, देखिए क्या होती है वो। So this is according to the IS recommendation, ठीक है, Indian Standard recommendation, Indian Standard recommendation, ठीक है। So this is density of rain gauges in our country, ठीक है। तो देखिए in plain regions, first होगा आपका in plain regions, ठीक है। प्लेन रीजन के केस में यू हैव टू पुट 1 रेन गेज फॉर एवरी 520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड होगा आपका इन रीजन्स इन मॉडरेटली एलिवेटेड रीजन्स, ठीक है, मॉडरेटली एलिवेटेड रीजन्स जिसका एलिवेशन ग्रेटर देन एलिवेशन अबाउ 1000 मीटर होगा, ठीक है, जिसका एलिवेशन अबाउ 1000 मीटर। इसमें होता है 1 रेन गेज फॉर एवरी 260 टू 390 किलोमीटर स्क्वायर। दिस वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, ओके। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि भाई अगर प्लेन रीजन है 1000 किलोमीटर स्क्वायर का तो उसमें आप कितने रेन गॉजेस इंस्टॉल करोगे, तो आपको पता होना चाहिए हर 520 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक रेन गॉज चाहिए होता है ना। तो अगर 1000 दिया हुआ है तो उसके लिए कितने रेन गॉजेस चाहिए होंगे, 2, है ना। तो ऐसा आपको याद रखना है। अगर मॉडरेटली एलिवेटेड रीजन है जिसका एलिवेशन अबाउट 1000 मीटर है, सो यू रिक्वायर 1 रेन गॉज फॉर एवरी 260 टू 390 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड होगा इन हिली रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल, इन हिली रीजन्स विथ हैवी रेनफॉल। इस केस में यू विल बी रिक्वायरिंग 1 रेन गॉज फॉर every 130 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस वैल्यूज। ठीक है, इसके देखो आप आसानी से याद रख सकते हो, 2 1 जा 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये 260 किलोमीटर स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 390 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 3 जा 3 130 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आपको याद रखना है, बाकी आप ऐसे ऐसे आप निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रेन गॉज नेटवर्क डेंसिटी इन अवर कंट्री। मतलब देयर आर सम गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस को फॉलो करके ही आप रेन गॉज को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। कहीं पे भी जहाँ पे भी मन करेगा आपका, वहाँ पे आप रेन गॉज नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होता है, ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है आपका, वो होता है फाइंडिंग, हाउ टू फाइंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, कि कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस होने चाहिए, वो कैसे निकालते हो। ठीक है, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं, उसका जो कंसेप्ट होता है वो हम समझेंगे, एंड देन वी विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इसका समझ लेते हैं हम क्या होता है। ठीक है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और प्लस रेन गॉज इंस्टॉल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने 3 रिक्वायरमेंट बोली वो, है ना। तो अब देखिए फाइंडिंग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, फाइंडिंग स्टेप्स फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, है ना। फाइंडिंग ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, steps for finding optimum number of rain gauges, fine। So first step, देखिए ये जो optimum number of rain gauges होता है my dear, it is found out on the basis of two चीजें हम consider करते हैं। एक होता है आपका percentage error और दूसरा होता है आपका coefficient of variance, मतलब deviation, कितना deviate हो रहा है वो मीन डेटा से। ठीक है, तो टू फाइंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस इट इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट। फर्स्ट इज योर परसेंटेज एरर, कितना आप अलाउेबल परसेंटेज एरर ले रहे हो, मतलब कितना परसेंटेज एरर अलाउ करोगे, प्लस आप कितना डेविएशन और वेरिएशन अलाउ करोगे। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप होगा, यू विल फाइंड आउट द मीन। सपोज आपको 5 रेन गेज स्टेशन दिए हुए हैं, तो P1 + P2 अप टू जितने भी रेन गॉज दिए हुए हैं, है ना, n ले लीजिए अपॉन n, वेयर n इज योर नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। ठीक है, तो आप सबसे पहले मीन कैलकुलेट करोगे। जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड स्टेप में यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप रूट मीन स्क्वायर वाले से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका समेशन ऑफ i = 1 से लेके n, ठीक है, pi - p mean whole square / n - 1। ठीक है, सो वी आर टेकिंग n - 1 बिकॉज द सैम्पल डेटा इज व्हेन इट इज ग्रेटर देन 30 वी हैव टू टेक n - 1, है ना। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी में ज्यादा रहती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर आप कैलकुलेट करोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कैसा आता है, 100 × स्टैंडर्ड डेविएशन / p mean, है ना, मतलब मीन प्रेसिपिटेशन। P रिप्रेजेंट्स या प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। ठीक है, N इज योर नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, CV इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और फिर फाइनली ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कैन बी कैलकुलेटेड एज CV / % error whole square। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस बाय दिस। सो N इज योर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। Okay, and CV is your coefficient of variance. Okay, P bar is your mean precipitation, sigma is your standard deviation. N is your number of rain gauge station. Okay, so these are the various steps for finding optimum number of rain gauges. Okay, so see here आपको ये question जो है इसी steps को follow करके find out करना है. ठीक है my dear? तो देखो हमने ये ऐसे ही हम सारे topics जो है क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो अभी जो भी हमने प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट यहाँ तक रिक्वायर्ड था वो हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो ये स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप मीन निकालोगे, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर आप कोफिशिएंट वेरिएंस निकालोगे और फिर आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालोगे. ठीक है माय डियर, अब क्वेश्चन समझिए. देखिए आपको बोला है एवरेज नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 5 रेन गेजेस. व्हाट इज योर एवरेज नॉर्मल रेनफॉल? देखो अगर आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल अगर आपको बोलना है तो ये क्या होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल, है ना. आप जब एवरेज एनुअल रेनफॉल बोलते हो माय डियर तो आप क्या करते हो, जैसे अगर आपने लास्ट 24 आवर का डेटा लिया तो आप उसको बोलोगे डेली रेनफॉल, है ना. 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, तो आप उसको बोलोगे डेली रेनफॉल. अगर सपोज आपने एक महीने का डेटा कलेक्ट किया तो आप उसको बोलोगे मंथली रेनफॉल. वैसे ही सपोज अगर आपने एक साल का डेटा कलेक्ट किया तो आप उसको बोलोगे एनुअल रेनफॉल. ठीक है, लेकिन जब भी हम बाकी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जब भी हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हमें क्या, हम रेनफॉल मतलब जब हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, है ना, तो सपोज वो हम 40 साल या 50 साल के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन किया तो हमें प्रिडिक्ट करना होगा कि भाई उस 40 साल में या उस 50 साल में कितना जो मैक्सिमम फ्लड है उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को एकोमोडेट करना पड़ेगा. सपोज इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम देन यू शुड नो दैट हाउ मच फ्लड इट शुड बी इन अ पोजीशन, मतलब सेफ कितना होगा कि वो कर सके. तो आपको जानना पड़ेगा कि कितना फ्लड आ रहा है, तो आपको डेटा को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो बिफोर ऑकरिंग ऑफ और बिफोर ऑकरिंग मतलब यू विल नॉट सी कि भाई 50 साल बाद स्पिलवे कैसे वर्क करेगा, है ना. आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. आप स्पिलवे या डैम बना के उसको फेल नहीं कराओगे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा. तो प्रिडिक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पिछले 30 साल का मिनिमम 30 साल का 30 या 35 साल का डेटा लेते हो, तो आप इसलिए उसको बोल देते हो एवरेज नॉर्मल रेनफॉल. मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपने एक साल का डेटा लिया है तो आप उसको बोलते हो एनुअल रेनफॉल. जब आप पिछले 30 साल का डेटा लेके चीजें प्रिडिक्ट करते हो तो आपको 30 साल का डेटा लेना पड़ता है. जब आप 30 साल का 30 इयर्स का डेटा लेते हो तब आप उसको बोलते हो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सो इट इज द प्रेसिपिटेशन फॉर 30 इयर्स और 35 इयर्स और एनी सुटेबल टाइम इंटरवल. जिस भी सुटेबल टाइम इंटरवल के लिए आप ले रहे हो तो वो उतने साल का एवरेज होता है. ठीक है, so that is written. 5 rain gauges in the base station are आपको given है सेंटीमीटर में 89, 54, 45 and 55 सेंटीमीटर. ठीक है, if the error in the estimation of the rainfall should not exceed 10%, मतलब आपका error जो है वो 10% से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए. how many, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, हाउ मेनी एडिशनल रेन गेजेस मे बी रिक्वायर्ड, मतलब आपको जितने गिवन है उससे और एडिशनल कितने रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, आपको ऑप्टिमम नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि रेन गेजेस कितने एडिशनल रिक्वायर्ड होंगे. तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप वही करोगे कि मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करोगे, है ना. ये जो स्टेप है इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है ना. तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करोगे. सो फाइंड आउट द मीन प्रेसिपिटेशन. See, first we will find out the mean precipitation. So आप mean precipitation calculate कैसे करोगे, 89 plus 54 plus 45 plus 41 plus 55 divided by टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5 आपको गिवन है. तो यहाँ से आपका पी बार आ जाएगा. ठीक है, मीन प्रेसिपिटेशन आ जाएगा 89 प्लस 54 प्लस 45 प्लस 41 बाय 55. तो मीन प्रेसिपिटेशन आ रहा है आपका 56.8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, देखिए अंडर रूट समेशन ऑफ, है ना, पी आई माइनस पी बार, है ना. तो पी आई क्या हो जाएगा, देखो ये पर्टिकुलर 89 माइनस 56.8 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 54 माइनस 56.8 होल स्क्वायर प्लस 45 माइनस 56.8 होल स्क्वायर प्लस 41 माइनस 56.8 होल स्क्वायर प्लस 55 minus 56.8 whole square, right? So divided by n minus 1, that is 5 minus 1. So you will get the value of standard deviation. If you will solve this, you will get the value of standard deviation as 18.95. You are getting the value of standard deviation as 18.95. ठीक है, आपने standard deviation calculate कर लिया. अब देखिए standard deviation आपने find out कर लिया. अब standard deviation के बाद आपको क्या निकालना है? Coefficient of variance. So this is your first step. This is your second step. This is your first step. ठीक है, to find the coefficient of variance. Coefficient of variance कैसे निकलेगा? 100 into standard deviation divided by mean precipitation. Fine. So you will put 100 into what is your standard deviation? 18.95 upon mean precipitation कितना है? 56.8. So you'll get the value of coefficient of variance. So ये आ रहा है आपका 33.362. So coefficient of variance is coming as 33.362. So CV is your coefficient of variance. ठीक है, अब आप निकाल सकते हो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस. ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस इज इक्वल टू सीवी अपॉन परसेंटेज एरर का होल स्क्वायर. यू हैव टू पुट दिस परसेंटेज एरर के फॉर्म पे ही पुट करोगे. तो सीवी आपका है 33.362 अपॉन व्हाट इज द परसेंटेज एरर? 10% इज द परसेंटेज व्हिच इज अलाउड. सो ये आपका आ रहा होगा 11.13, है ना? तो देखो आपका 11 से ज्यादा नंबर ऑफ रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? 12 इंस्टॉल करोगे. 12 नंबर ऑफ रेन गेजेस इंस्टॉल चाहिए. तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने हैं? 12. तो एडिशनल रेन गेजेस कितने रिक्वायर्ड है? आपको 5 रेन गेज ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो कितने एडिशनल रिक्वायर्ड है? 7, है ना? तो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड. सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप. सो फाइनल आंसर इज योर दिस. देखो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड. Additional number of rain gauges required is equal to 12 minus 5, है ना? 12 minus 5 which is equal to 7. Okay, so this is your answer. 7 number of rain gauges आपको लगेंगे. 7 is your answer. Answer is 7. Fine. So this was the question based on the concepts which we have read, है ना? तो precipitation के जितने concept थे वो हमने पढ़ लिए और ये था आपका उसके basis पे question. अब देखिए my dear, जो next question हम लेंगे और next question लेके हम उसका concept समझेंगे. ये gate का question है, ठीक है? So we'll see the next question which is a gate question. So the next question is, ये GATE 2005 का क्वेश्चन है. देखिए क्या है क्वेश्चन में. द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल ऑफ अ टिपिकल स्टॉर्म आवर्स आर गिवन बिलो. ठीक है, आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है मिनट्स में और आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल गिवन है. ठीक है, सो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 20 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म इज. देखो आपको 10-10 मिनट्स का ड्यूरेशन का इंटरवल गिवन है और आपसे 20 मिनट्स का मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है. ठीक है, आपको 10-10 मिनट्स के ड्यूरेशन में इंटेंसिटी गिवन है. आपको कितने के लिए पूछ रहा है? 20 मिनट्स के लिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है, अब देखिए आपने जो अभी तक पढ़ा था उसमें क्या था. आपने देखा था कि भाई प्रेसिपिटेशन क्या होता है. सबसे पहले तो आपने यही देखा. फिर आपने देखा कि मेजर कैसे करते हैं प्रेसिपिटेशन को. उसमें आपने देखा कि आपको मेजर करना होता है रेन गॉजेस से और 2 टाइप के रेन गॉजेस होते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपने प्रेसिपिटेशन को मेजर कर लिया, जो आपके पास अब डेटा आ गया उसको आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, है ना. तो अब हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. तो जो आपको प्रेजेंट करना होता है वो आप बेसिकली 2 तरीके से करते हो. एक होता है आपका रेनफॉल मास्कर और एक होता है आपका रेनफॉल हाइटोग्राफ. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेनफॉल हाइटोग्राफ. ठीक है, देखिए कैसे, मतलब वॉट एवर डेटा यू हैव कलेक्टेड, है ना, आपने मेजर करके रेनफॉल डेटा कलेक्ट किया. अब उस कलेक्टेड डेटा को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, उसको प्रेजेंटेशन. सो दिस इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. सो फर्स्ट इज योर रेनफॉल मास्कर एंड सेकंड इज योर रेनफॉल हाइटोग्राफ. अब देखिए माय डियर, रेनफॉल मास्कर क्या होता है. ठीक है, इट शोज हाउ द रेनफॉल वेरीज विद टाइम. मतलब ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम देता है आपको. ठीक है, जब आपको रेनफॉल मास्कर में आप डेटा प्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेटेड रेनफॉल या क्यूमुलेटिव रेनफॉल. सो दिस वैल्यू विल बी इन सेंटीमीटर, मीटर, वॉट एवर बी द स्केल, है ना, अगेंस्ट टाइम. टाइम आपका आवर, मिनट, डे, किसी में भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आवर में ही हो, मिनट में भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द जो भी स्केल आप लोगे उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये रेनफॉल मास्कर होता है आपका क्यूमुलेटिव रेनफॉल या एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट टाइम. तो इसका जो कर्व होता है ये कंटिन्यूअसली राइजिंग कर्व होता है, क्योंकि देखो क्यूमुलेटिव रेनफॉल ले रहे हो आप. ठीक है, अगर किसी पोर्शन में बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे ये रुक जाएगा. सो दिस इज योर मास्कर. नाउ नेक्स्ट इज योर रेनफॉल हाइटोग्राफ. रेनफॉल हाइटोग्राफ में आप रेनफॉल डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हो? इसमें आप प्रेजेंट करते हो रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम. तो यहाँ पे आप लेते हो रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम. ठीक है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हो. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? mm पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर, है ना, और टाइम आपका सपोज आवर में. तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द स्केल, ये सेंटीमीटर पर डे भी हो सकता है, मीटर पर डे भी हो सकता है, जो भी आप स्केल ले रहे हो मेजर करने के लिए, और टाइम जो होगा आपका आवर में होगा. ठीक है, अब देखो रेनफॉल हाइटोग्राफ को आप हिस्टोग्राम के फॉर्म में शो करते हो, बार्स के फॉर्म में. जैसे सपोज दिस इज योर इंटेंसिटी I1. ठीक है, ये आपकी I2 इंटेंसिटी है, फिर ये आपकी I3 इंटेंसिटी है, ठीक है, फिर ये I4 इंटेंसिटी है, फिर I5 इंटेंसिटी. सो ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, सपोज जैसे आपका टाइम इंटरवल T1, T2, T3, T4, T5. दिस आर योर टाइम इंटरवल्स एंड दिस इज योर इंटेंसिटी. सपोज दिस इज I1, है ना, दिस इज I2, दिस इज I3, है ना. तो ये सारी आपकी इंटेंसिटी, दिस इज योर I4, दिस इज योर I5. ठीक है, तो ये आपकी इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है. तो जो रेनफॉल हाइटोग्राफ होता है ये क्या होता है? रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का वेरिएशन शो करता है. अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है माय डियर रेनफॉल हाइटोग्राफ. ये आपको आगे हाइड्रोग्राफ जब आप पढ़ेंगे तब तक आपका ये यूज होगा. देखो ये जो आपका रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम आपको देता है, देखो ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो जब आप इंटेंसिटी इंटू टाइम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो इसका जो एरिया होता है इट गिव्स यू डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन which is why this is very important, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधे डेप्थ ऑफ रेनफॉल मिल जाती है. तो क्वेश्चन फॉर्म करने में इजी होता है. देखो ये आपका एक एक रेक्टेंगल है, तो ये पूरा अगर आप एरिया निकाल लोगे तो दैट विल गिव यू डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एरिया ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। और अगर आपको इंटेंसिटी लिखनी होगी तो आप इंटेंसिटी कैसे लिखोगे, डेल पी बाय डेल टी, मतलब वेरिएशन, मतलब आई इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन एट 2 डिवाइडेड बाय माइनस प्रेसिपिटेशन एट 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। ऐसे ही आप निकालोगे इंटेंसिटी। तो देखिए एरिया ऑफ द बार गिव्स डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द बार इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, I1 इंटू T1 प्लस I2 इंटू T2 प्लस I3 इंटू T3 प्लस I4 इंटू T4 प्लस I5 इंटू T5। ओके, सो दिस विल गिव यू डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन, डेप्थ ऑफ precipitation, area of the bar gives depth of precipitation, है ना। depth of precipitation या depth of rainfall, है ना। depth of rainfall लिख लीजिए क्योंकि आप हमेशा rainfall की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप rainfall लिख लीजिए, depth of rainfall। ठीक है, देखिए कैसे आ रहा है आपको, I is your डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, मतलब ये आपका सेंटीमीटर पर आवर में है यूनिट, है ना। तो जब आप इंटेंसिटी इंटू टाइम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू, है ना, सेंटीमीटर में मिल जाएगा। आई आपका सेंटीमीटर पर आवर, उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ दिस बार गिव्स यू डेप्थ ऑफ रेनफॉल या डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस हाइटोग्राफ ओनली। ठीक है, रेनफॉल देखो आपको रेनफॉल टाइम इंटरवल दिया हुआ है और इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का वेरिएशन आपको टाइम इंटरवल में दिया हुआ है। तो आपको रेनफॉल हाइटोग्राफ दिया हुआ है फॉर 10-10 मिनट्स ड्यूरेशन, और आपसे पूछ रहा है कि भाई हाइटोग्राफ निकालिए फॉर 20 मिनट्स ड्यूरेशन, और उस हाइटोग्राफ में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी बताना है ना। सिर्फ आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर 20 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म इज। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर हमें रेनफॉल डेटा प्रेजेंट करना है तो या तो हम रेनफॉल मास कर्व से करेंगे, या तो हम और भी तरीके होते हैं, बट ये दो मेजर है। ठीक है, तो रेनफॉल मास कर्व एंड रेनफॉल हाइटोग्राफ। मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, और रेनफॉल हाइटोग्राफ क्या होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। See the question, the intensity of rainfall, आप देखो 10-10 टाइम इंटरवल के इंटरवल में आपको दिया हुआ और 20 मिनट के लिए आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे माय डियर, 20 मिनट का प्रेसिपिटेशन निकालोगे और फिर उसको 20 मिनट से डिवाइड कर दोगे तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी, है ना। तो देखो टोटल डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल for first 20 minutes duration, for first 20 minute duration। ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल फॉर फर्स्ट 20 मिनट ड्यूरेशन। देखो पहले 20 मिनट ड्यूरेशन के लिए डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी होगी, देखिए 0.7 इंटू 10, है ना, दिस इज योर इंटेंसिटी इन mm पर मिनट, इसको 10 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 1.1 इंटू 10, so this is your total depth of precipitation, है ना, total depth of precipitation for this 20 minutes duration, so 0.7 into 10 plus 1.1 into 10। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11, तो ये आ गया आपका 18 mm। ठीक है, अब इंटेंसिटी निकाल लो, फर्स्ट I1 निकालना है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपका 18 है और दिस इज फॉर 20 मिनट ड्यूरेशन, तो ये आ जाएगा आपका 0.9 mm पर आवर। ठीक है, वैसे ही आप सेकंड के लिए निकाल लीजिए, देखिए सेकंड ड्यूरेशन के लिए I2 निकाल लीजिए, I2 कैसे आ जाएगा, देखिए 2.2 इंटू 10 प्लस 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 20, तो ये आएगा आपका 1.85 mm पर आवर। सिमिलरली आप I3 निकाल लीजिए, देखिए ये दोनों का हो गया, फिर ये दोनों का। अब आपको देखना है, देखो आपको क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम बोला है ना, मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए एक एक करके निकाल के बता रही हूँ। आप गेट में क्या करोगे, आप देखोगे कि मैक्सिमम किस में आ रहा है। देखो मैक्सिमम यही वाली वैल्यूज है, देख सकते हो आप। देखो 20 मिनट्स ड्यूरेशन में कौन सा मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा यही मैक्सिमम है, तो आप सीधा सीधा इसी का इंटेंसिटी निकाल लीजिए, है ना, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि गेट एग्जाम में आपको टाइम बचाना है ना। तो इसीलिए आप देख लीजिएगा कि जिसमें मैक्सिमम आ रही है पहले उसी को कैलकुलेट कर लीजिए और वही आपका हो जाएगा। अब I3 देखिए हमने 2.2 और 1.5 का निकाल लिया, फिर देखिए 1.2 इंटू 10 प्लस 1.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 1.25 mm पर आवर, ठीक है। फिर I4 हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20, तो इससे आ रहा होगा आपका 0.65 mm पर आवर, ठीक है। शायद वैल्यूज यही आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। हाँ, 1.85, 1.25 और 0.65 mm पर आवर, ठीक है। तो अगर देखो इसके बेसिस में अगर हमें हाइड्रोग्राफ बनाना हो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप रेनफॉल इंटेंसिटी को डिनोट करोगे, हियर विल बी योर रेनफॉल इंटेंसिटी इन mm पर, सॉरी इट इज नॉट इन आवर, इट इज इन मिनट्स, है ना, मिनट्स में लिया है ना हमने 20 मिनट्स, हमने आवर में कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये सारी वैल्यूज आपके मिनट में है। दिस ऑल वैल्यूज आर इन मिनट्स नॉट इन आवर्स, है ना, क्योंकि हमने 20 मिनट्स लिया है, तो दिस ऑल आर इन मिनट्स, ठीक है, ऑल वैल्यूज आर इन मिनट्स। तो देखिए आई जो इंटेंसिटी आपका mm पर मिनट में है और आपका टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो मिनट्स में है। तो देखो 0, 20, ठीक है, 40, 60 एंड 80, and you can denote it as 1 इधर 1.5 and 2, 1, 1.5 and 2, ठीक है। तो देखो पहला वाला कितना आ रहा है, फर्स्ट 20 मिनट्स के लिए 0.9 mm पर आवर, सो दिस इज योर फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, देन इट इज 1.85, सो इससे थोड़ा ऊपर 1.85 mm पर आवर, फिर 1.25 mm पर आवर और फिर इससे नीचे 0.65 mm पर आवर, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर 25 मिनट्स ड्यूरेशन क्या हो गया, I is equal to 1.85 mm पर मिनट, है ना। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी इज योर मैक्सिमम रेनफॉल इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1.85 mm पर minute. Okay, so option B is the correct answer. Option B is your correct answer. Okay, thanks for watching. Next topic we will discuss is estimation of missing rainfall data. Okay, so we'll see the next GATE question and then we will discuss the concept based on that question. Okay, thank you.